मैम ये है कि एंजॉय करे प्रिपरेशन फेज, नो मैटर व्हाट हैपेंस। फेलियर सबकी लाइफ में आता है, बट एक ना एक दिन सक्सेस सबको मिलता है, तो डोंट वरी अबाउट द फेलियर्स। बस हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रैक्टिस मॉक। आज हमारे साथ है आयुष। तो जानते हैं कि आयुष ने सारे ही एग्जाम्स 2022 के कैसे क्लियर करे हैं। हाय आयुष, हाउ आर यू? हाय मैम, आई एम डूइंग गुड मैम, थैंक यू। हाउ आर यू डूइंग मैम? ग्रेट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू कि सारे ही एग्जाम्स आपने क्लियर कर लिए हैं। तो बताइए कि कैसे जर्नी आपने स्टार्ट करी और कैसे आज यहाँ पे है कि सारे ही पूरे ईयर में आपने सब क्लियर कर लिया है। कहाँ से स्टार्ट किया था? सब मैम, मैंने 2019 में मैंने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की, फिर उसके बाद मैंने एक ट्रैक्टर कंपनी स्कॉट्स लिमिटेड, उसमें मैंने काम किया 1 साल एग्रीकल एरिया बिजनेस मैनेजर के तौर पे। फिर मैंने वहां से जॉब छोड़ दी अक्टूबर 2020 में। फिर उसके बाद मेरा फोकस था कि मैं 2021 में एक एग्रीकल्चर एग्जाम्स जो मेनली स्टेट पे होते हैं या नेशनल लेवल पे होते हैं उनको क्लियर करूँ, बट उसमें कुछ हुआ नहीं। तो फिर मैंने अपना फोकस बदला और फिर मैंने प्योरली बैंकिंग के लिए मैंने तैयार किया। तो 2022 में फिर मैंने पूरी तरह से बैंकिंग दी थी, बैंकिंग के एग्जाम्स दिए, तो उसमें सारे एग्जाम्स क्लियर हो गए थे मैम। ओके। प्रिपरेशन जो आपने अगर प्योरली स्टार्ट करी है 2022 में, तो उससे पहले आप थोड़ा फेमिलियर हो गए होगे कि हाँ एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है। तो कैसे आपने, क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी, कैसे आपने स्टार्ट किया, कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग था, या इस बारे में बताइए, प्रिपरेशन जर्नी के बारे में बताइए आप। जर्नी देखा जाए तो क्वांट और रीजनिंग के लिए तो मेरे 2019 में मैंने कैट के लिए तैयार किया था। कैट एग्जाम होता है, उसके लिए मैंने प्रिपेयर किया था। तो मेरे जो बेसिक्स थे वो तो थोड़े बहुत क्लियर थे, उनको थोड़ा ब्रशअप करना था तो यूट्यूब पे जो थोड़े बहुत वीडियोज अवेलेबल हैं उनसे कर लिया। और जो स्पीड का प्रॉब्लम आ रहा था तो एक टेस्ट सीरीज या प्रैक्टिस मॉक की जो टेस्ट सीरीज थी मैंने वही सिर्फ ली बस। और फिर उसके जितने भी मार्क्स रहते थे मेरा एम वही रहता था कि मैं बस जितने मार्क्स हैं उनको कैसे भी करके बाय हुक और क्रुक मैं बस कर लूँ, बस चाहे टाइम में कंप्लीट हो या ना हो, बाद में उसके अच्छे से एनालिसिस कर लूँ कहाँ वीक पॉइंट रह गया कहाँ नहीं रह गया। बस उसी तरह से मैंने QR ही कर लिया। इंग्लिश के लिए मैंने रीडिंग भी, न्यूज़पेपर रीडिंग जो है वो उसके लिए वो तैयार किया। और न्यूज़पेपर रीडिंग से 2 चीज़ें हो जाती हैं कि एक तो जो करंट अफेयर्स हैं वो भी तैयार हो जाते हैं और रीडिंग में इंग्लिश भी प्रिपेयर हो जाती है बस। तो कैट और बैंकिंग की प्रिपरेशन में जो एक मेजर डिफरेंस है वो स्पीड का रोल रहता है काफी, कि इट्स ऑल अबाउट स्पीड। कि प्रीलिम्स में आपको अगर जाना है तो आपको नंबर ऑफ मॉक्स, नंबर ऑफ क्विजेस देकर जाना रहता है कि हाँ उतने टाइम पीरियड में आप कर लो। तो क्या टारगेट्स रहते थे आपके डेली के, कि इतने क्विज करने हैं, इतने मॉक्स करने हैं, इतने क्वेश्चंस करने हैं, कैसे डिवाइड करते थे? मैम डेली टारगेट्स ये रहते थे कि प्री के लिए 2 मॉक देने हैं, और कभी संडे सैटरडे मेंस का 1 मॉक देता था मैं कोई भी उसको, क्योंकि एनालाइज करने में ज़्यादा टाइम लगता है तो उसको यानी एक दिन यानी 8 to 10 आवर्स चाहिए उसको यानी अच्छे से एनालाइज करने के लिए, क्योंकि जो रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं जो मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं वो इतने आसान यानी क्वांटिटेटिव क्वेश्चन होते हैं वो इतनी आसानी से समझ में नहीं आते थे, तो थोड़ा उनको टाइम लगता था मेरे को कि यानी उनको एनालाइज करो। फिर जो नहीं बन रहा है तो फिर उसको यूट्यूब से देखो कि क्या कैसे कर सकते हैं, कैसे अप्रोच कर सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगता था। और फिर डेली फिर उसमें ये रहता है कि अफेयर यानी डेली जीए भी पढ़ना है, यानी जो जीए का डेली कवर करते जाओ तो बाद में लैगिंग नहीं रहता है कि यानी के साथ साथ जीए भी होता जाता है, इसलिए वो फिर तो सब यही कुछ था आपका मैम। साथ में चल रहा था कि प्रीलिम्स के लिए भी आप मॉक्स दे रहे हो, आप मेंस के लिए भी मॉक्स दे रहे हो, आप जीए भी कर रहे हो। पूरा हाँ आपने मैम 2021 तो फिगर आउट करने में निकाल दिया था कि चलो अब एग्रीकल्चर के एग्जाम्स नहीं, ये वाले एग्जाम्स देने। फिर 2022 में आपने एकदम फिर से आपने स्टार्ट करा कि नहीं अब बैंकिंग ही देना है। तो उस टाइम पीरियड में कैसे अपने आप स्ट्रेटेजीज कैसे बनाते थे कि हाँ एक साल तो चला गया, एक प्रेशर भी रहता है कि हाँ 1-1.5 साल चला गया है और फिर एग्जाम्स हो रहे हैं, तो कैसे मैनेज किया आपने सब? मैम मैंने सबसे पहले ये रियलाइज़ कर लिया कि एग्रीकल्चर में मेरा कुछ नहीं होने वाला है, सबसे पहले ये रियलाइज़ कर लिया। तो फिर मैंने एग्रीकल्चर को टोटली मैंने छोड़ दिया था। तो फिर मैंने फिर बैंकिंग की तरफ आया तो थोड़े यूट्यूब पे जो टॉपर्स के वीडियो रहते हैं जो यानी जो और भी लोग हैं जो बताते रहते हैं तो उनसे थोड़ा देखा कि कैसे कैसे प्रिपेयर करना है। तो वो मेरे को समझ में आया कि वो बहुत बेसिक से बताते हैं कि आप ये भी कर लो यानी ये PDF से इनसे कर लो, तो वो करने की ज़रूरत तो नहीं थी मेरे को, यानी एक बेसिक जो ब्रशअप चाहिए था तो वो
कर लिया, और बाकी जो फिर है फिर मॉक से ही बिल्ड की स्पीड तो मॉक से ही आती है कि आप यानी टाइम पे एक टाइम फ्रेम चलता रहता है उसमें आप क्वेश्चंस करते जाओ तो धीरे धीरे वो सही हो जाता है। तो यही स्ट्रेटेजी थी कि यहाँ करना यही है। ओके, तो पूरे साल जैसे आपके अलग अलग टाइम पे एग्जाम्स होते हैं, किसी का प्रीलिम्स चल रहा होता है, किसी का मेंस चल रहा होता है, तो उस टाइम पे आप कैसे वो करते थे, दो दो एग्जाम्स एक मैम साथ? मॉर्निंग टाइम तो फिक्स रहता है कि जीए है, जीए करना है, जीए में यानी जो प्रीवियस डे का जीए है वो करना है और न्यूज़पेपर पढ़ना है, ये तो फिक्स है। बाकी जो टाइम बचता है उसमें आप क्वांट रीजनिंग तैयारी कर लो, तो इसी के साथ चलता जाता है मैम कि एक मॉक लगा लिया और जिस जो नियरेस्ट वीक में जो नेक्स्ट संडे या नेक्स्ट सैटरडे जनरली पेपर होते हैं तो जो जो नियरेस्ट वीक है उसका मॉक लगा लिया वो सफिशियंट होता है। फिर जैसे कोई मेंस एग्जाम आ गया तो मेंस के लिए मेंस को से मैं यानी डेली उसका मॉक लगाने लग गए कि फिर थोड़ा टाइम ज्यादा देना पड़ जाता है तो मेंस का मॉक लगा लिया ऐसा। जीए सिंस अब बहुत टफ आ रहा है काफी टाइम से, लास्ट ईयर से क्वेश्चंस काफी इन डेप्थ पूछे जाते हैं, तो जीए के लिए आप स्ट्रेटेजी बताइए बच्चों को कि कैसे वो प्रिपेयर करें। देते हैं लोग 2-3 आवर्स देते हैं, बट वो ना उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते प्रॉपर वे में, तो वो आप मैम जीए में बताइए। गॉड जीए बाय गॉड ग्रेस मेरे सारे नंबर अच्छे हैं मैम, मैंने मैं एकदम से हाईएस्ट स्कोरर रहा हूँ, मैंने सारे नंबर सारे एग्जाम्स, तो इसलिए मैं जीए काफी स्ट्रांग एरिया था। तो मैंने वो रियलाइज किया कि बहुत इन डेप्थ नहीं पूछा जाता है, अफेयर्स क्लाउड की एक पीडीएफ आती है तो मैं वो उसको रिवाइज करता था, यानी उसको उसको यानी डेली वीकली और जो मंथली पीडीएफ आती है उसको रिवाइज करता था, उसमें हाईलाइट कर लेता था। मैंने एक्चुअली पहले क्वेश्चन एनालाइज किए कि वो क्या पूछ सकते हैं, कि ज्यादातर अगर नंबर्स पूछे हैं रैंक्स पूछी है तो उस पर ज्यादा फोकस रहता था। जो डील्स वगैरह होती हैं यानी जो मर्जर हो गया एक्विजिशन हो गया वो वन वन लाइनर होते हैं, जो डीप में पूछा जाता है वो जनरली रिपोर्ट और इंडाइसेस से या जो गवर्नमेंट स्कीम्स जो लॉन्च करती है जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स होते हैं वो बहुत ज्यादा डीप में पूछे जाते हैं। तो इसको यानी आप या तो पीआईबी की वेबसाइट से डायरेक्ट फॉलो कर लो या किसी भी साइट पर जाके एक यूपीएससी का यानी पीआईबी का कंपाइलेशन आता है वो डाउनलोड करके आप उसको पढ़ लो, वो हार्डली 30 to 35 pages का होता है, तो उससे आपकी एक तो स्कीम्स कवर अप हो जाएंगी, वो स्कीम्स जो यानी जो भी उनके इनके इनिशिएटिव्स हैं टारगेट्स हैं गवर्नमेंट के वो सारे उससे कवर अप हो जाएंगे और बाकी सारा अफेयर्स क्लाउड से कवर अप हो जाएगा, उसको 3 4 बार रिवाइज कर लो हो जाता है। तो आपका जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा, आपने इंटरव्यूज भी दिया, RRPPO दिया होगा, IBPSPO दिया होगा, तो उसके लिए कुछ आपने हाँ मैम स्पेशल करा था, उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करी? मैम उसके लिए ऐसा था कि इंटरव्यूज में मैम जो अपनी बेसिक प्रोफाइल है उसको अच्छे से एनालाइज किया कि मैम मैं एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से, तो जो बैंकिंग इंडस्ट्री में उनको काफी इंटरेस्ट आता है एग्रीकल्चर में, तो वो यानी मैं अच्छे से तैयार करके गया था। फिर मेरा जॉब एक्सपीरियंस भी था तो जॉब एक्सपीरियंस भी मैंने अच्छे से तैयार किया कि मैं मेरा जॉब रोल क्या था उसको मैं अच्छे से यानी ब्रश कर सकूँ, अच्छे से पॉलिश कर सकूँ कि मैं जो इंटरव्यू के सामने यानी प्रेजेंट कर सकूँ अच्छे से, तो वो मैंने प्रिपेयर किया था कि यानी अपनी प्रोफाइल के ऊपर यानी अच्छे से बहुत अच्छे से काम किया था कि क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, तो उसका क्या जवाब देना है, बस उसी को पॉलिश करके मैं गया था। आपने सारे ही एग्जाम्स के फॉर्म्स फिल करे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं कि नहीं होते हैं, कि इतना फाइनेंशियली वो नहीं होते हैं कि आप भर सको, सारे ही फॉर्म्स भर सको, या फिर बहुत सारे बच्चों में ये भी रहता है कि हमें कोर्सेज भी ज्वाइन करने हैं, हमें वीडियो क्लासेस लेनी है, तो जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं वो अपनी प्रिपरेशन कैसे करें, अगर 1 साल में नहीं हुआ, 2 साल में नहीं हुआ, उन लोगों के लिए आप बताइए। मैम बेसिकली होता यह है कि मैम कंटेंट हर जगह अवेलेबल है, मैम आपको फिल्टर करना आना चाहिए कि मैम कंटेंट क्या चाहिए। मैम लोग पेड कोर्सेज भी लेते हैं बट पेड कोर्सेज के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि एक कोई भी टेस्ट सीरीज ले लो 1000 rupees में कहीं भी मिल जाती है, प्रैक्टिस मॉक की तो और सस्ती है, मैंने तो 600 से 700 में ली है 20-20% off में जब यानी उस टाइम मिला तो मैंने वो भी ली थी, 600 700 में हो जाता है। और फॉर्म्स मैम ये बेसिक है कि मैम क्लर्क और पीओ आप फिल करोगे और ये 4 एग्जाम 6 एग्जाम तो करो फिल करोगे, आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क आरआरबी, तो इससे ये रहता है कि एक तो ये तो भरना है और इनमें से हो जाए तो वहां पे आप अपनी जर्नी स्टॉप कर सकते हो। मैम दैट्स ऑल मैम मैं ये बोल रहा था कि टेस्ट सीरीज ले लो, टेस्ट सीरीज यानी कोई भी टेस्ट सीरीज एक आप सब्सक्राइब कर लो और उसमें जितने भी मॉक्स हैं ऐसा नहीं कि सारे मॉक्स देने हैं, यानी जितने भी आते हैं 20 मॉक्स अगर प्रैक्टिस मॉक में देखा जाए तो 20 मॉक्स फ्री के लिए रहते हैं और 10 मॉक्स 10 to 11 मॉक्स रहते हैं, एक प्री मॉक भी रहता है और बाकी 10 पेड रहते हैं, किसी किसी में
कुछ जो स्पेशल एग्जाम होते हैं उसमें 6 मॉक रहते हैं, जैसे NHB का हो गया, LHSFL के लिए हो गया, उसमें 5 और एक प्री मॉक रहता है। तो बस यही है कि इन्हीं मॉक्स को आप कर लो, ये इन सारे मॉक्स को कर लोगे तो हो जाएगा। बहुत उसमें क्या है, क्वेश्चन बैंक भी बहुत बड़ा होता है, कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, तो क्वेश्चन बैंक ही इतना बड़ा है कि आप इतनी प्रैक्टिस और कहाँ से प्रैक्टिस करोगे, इतना ही प्रैक्टिस कर लो बहुत हो जाता है ना। थैंक ओके, तो आई विश ऑल द वेरी बेस्ट कि आपके सारे एग्जाम्स यू। निकल गए हैं। अब आगे फ्यूचर में आप क्या करेंगे? मैम अभी तो यह है कि अभी एक जॉब सिक्योर करना है, तो अब वो मिल गई है, अब इसके बाद मैम फिर अभी सोचा नहीं है कुछ कि क्या करना है, बट होपफुली। एक बेस्ट एडवाइस जो आप देना चाहेंगे कैंडिडेट्स को? मैम ये है कि एंजॉय करें प्रिपरेशन फेज, नो मैटर व्हाट हैपेंस। फेलियर सबकी लाइफ में आता है, बट एक ना एक दिन सक्सेस सबको मिलता है, तो डोंट वरी अबाउट द फेलियर्स, बस। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम आयुष, थैंक यू सो मच फॉर योर इंटरव्यू। ओके। थैंक यू।